अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। तो आज बेसिकली ये वीडियो किस चीज़ के लिए है? ये वीडियो है कि आपके पास जो बोर्ड का पेपर आता है, सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका फर्स्ट पेज जो होता है वो फिल करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो उन वाले स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि जो मतलब फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, नाइन क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं उनके साथ, मैट्रिक वालों को भी होता है, बट वो नाइन जो है नाइन करके जब वो मैट्रिक में चले जाते हैं उनको गलतियों का आइडिया हो जाता है कि भाई इस तरीके से फिल करना था, मैंने ये मिस्टेक करी थी, वो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। मगर हाँ, ये वीडियो दोनों के लिए है, नाइन के लिए भी है, मैट्रिक के लिए भी, कि आप किस तरीके से अपना फर्स्ट पेज ऑफ बोर्ड कॉपी फिल आउट कर सकते हो। इसको अच्छे से देखना और पूरा देखना कि आपको अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेज फिल करने में प्रॉब्लम पेश नहीं आए, ठीक है, और मुझे दुआ देना। अच्छा, सबसे पहले क्या है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो। तो यार लाजमी इस वीडियो को जो है लाइक करना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इस मेहनत का मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या है, मैं ईजी वे में समझाऊंगा सब कुछ कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले जो है रोल नंबर है। अब रोल नंबर कहाँ पर है? रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है, वहाँ से आपने रोल नंबर सिंपली यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से कोई भी रोल नंबर लिख देता, ठीक है, 3 5 6 5 3 5 6 4 2, ठीक है, मैंने इस तरीके से रोल नंबर लिख दिया अपना। अब आंसर ऑफ मीडियम, देखो यार आंसर ऑफ मीडियम ये है कि भाई आप किस में अपने आंसर्स करना चाहते हो, जो पेपर के अंदर जो लिखोगे वो उर्दू में करोगे इंग्लिश में करोगे, ज्यादातर पेपर इंग्लिश मीडियम होते हैं, ठीक है, बट हाँ जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में भी लेते हैं उर्दू में भी लेते हैं। तो आप जिसमें भी लोगे, अगर आपने उर्दू में पाकिस्तान स्टडी ली है तो आप उर्दू लिखोगे, इंग्लिश में ली हुई है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख दोगे, सही है। इसी तरीके से केमिस्ट्री भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि उर्दू में भी लेते हैं, उर्दू में कीमिया लाइक में, तो वो यहाँ पे जो है उर्दू लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, जो भी आपका आंसर है मीडियम आवाज से आप कर सकते हो। जैसे पीएसटी में आपने उर्दू में लिया तो आप उर्दू लिखोगे, इंग्लिश में लिया तो इंग्लिश, ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे करना है कि भाई आप कौन से एग्जामिनेशन दे रहे हो, नेम ऑफ, आप एसएससी दे रहे हो, एसएससी कौन सा पार्ट वन दे रहे हो या फिर टू दे रहे हो, ठीक है, वन दे रहे हो या फिर आप टू दे रहे हो, ठीक है। तो मैं एसएससी यहाँ पे वन कर दूंगा, सही है। आप अपने हिसाब से भाई इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब कि आप इसे, सही है। ग्रुप कौन सा है आपका, जो भी ग्रुप है आपका, फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे मेरा साइंस है तो मैं इधर साइंस लिख दूंगा, सही है। सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट आपका कोई भी होगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स दे रहे हो तो आपका फिजिक्स है पहला सब्जेक्ट, ठीक है। अब पेपर कौन सा है आपका, देखो यार पेपर या फिर वन होगा या टू होगा, टू जो बेसिकली पेपर है वो मैट्रिक वालों के लिए है, ये टू जो होगा ये बेसिकली समझ लो टू जो होगा ये मैट्रिक का है, और वन जो होगा वो नाइन का है, मतलब वन मतलब पार्ट वन, टू मतलब पार्ट टू। तो आपने ये लिखना कैसे, ये लिखना इस तरीके से कि भाई फिजिक्स और यहाँ पे आप वन लिख दोगे या इस तरीके से वन, सॉरी, सही है, फिजिक्स वन इसको हटा देना, ठीक है, ये डैश हटा देना, फिजिक्स वन या फिर इस तरीके लिख लेना, मसला नहीं है। बाकी फिर सेंटर का नाम जो आप जहाँ आप सेंटर में हो वहाँ का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर सिर्फ एबीसी स्कूल लिख देता हूँ, ठीक है, सही है, उम्मीद करता हूँ भाई इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है, अब भाई जिस दिन आप पेपर दे रहे हो आप उस दिन जो है डेट डालोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट डाल दूंगा क्योंकि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 5, ठीक है, ये हो गया, डेट डल गई हमारी, सब कुछ हो गया, इतना हमारा फॉर्म फिल हो गया। अब सर्टिफिकेशन है, ये बेसिकली जो ये आपके पास सर्टिफिकेशन सबको छोड़ दो, यहाँ पे डेट और इन्विजिलेटर जो बेसिकली होगा, इन्विजिलेटर का मतलब वो है कि जो बोर्ड में आपका टीचर जो बेसिकली वहाँ पे होगा, जो आपकी क्लास में होगा वो यहाँ पर डेट डालेगा और साइन करेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट नीचे आते हैं सीरीज नंबर अटैच बी कॉपीज एंड ग्राफ पेपर इफ यूज, ये हम आगे चल के बात करेंगे। एक और पॉइंट से डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर ये आपका जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियोस बना के समझा रहा हूँ कि ये ऑलरेडी यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है कि अगर कोई भी मतलब कि ये आप यहाँ पे कोई ऐसा गलत आप नंबर डाल देते हो या कुछ भी कर देते हो, ठीक है, तो आपकी कॉपी जो है वो मतलब कि देखी नहीं जाएगी, आपकी कॉपी जो है वो नहीं करी जाएगी, इसलिए समझाना जरूरी है। अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुआ तो वो कॉपी ऑफिस आपकी देखी नहीं जाएगी, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको पूरा देखना अच्छे से। इतना समझ में आ गया, सीरियल नंबर और बी कॉपी हम देखते हैं अभी। अब हम आ जाते हैं इस पेज के ऊपर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास मीडियम ऑफ आंसर्स, वही चीज़ है हम
कुछ भी नहीं करना, मैं बता चुका हूँ भाई, उर्दू में कर लो या इंग्लिश में कर लो, ठीक है। उर्दू से मुराद ये कि अगर पेपर उर्दू और इंग्लिश दोनों के हैं, आपके पेपर में दिया होगा कि भाई उर्दू में भी क्वेश्चन लिखे होंगे, इंग्लिश में भी लिखे होंगे, दोनों में लिखे होंगे। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में उर्दू में लिया हुआ है तो आप सिंपली आंसर ऑफ मीडियम उर्दू लिख दोगे, इंग्लिश में लिया हुआ है तो आप इंग्लिश लिख दोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेम ऑफ एग्जामिनेशन, वही है आपने जो वहाँ पे लिखा वही आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, SSC पार्ट वन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ग्रुप, ग्रुप कौन सा है आपका भाई, साइंस होगा या फिर जनरल होगा, जो भी आपका अब यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो है आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आपके पास है फिजिक्स, ठीक है, आपने लिख दिया। पेपर आपके पास कौन सा है, पेपर मैंने बताया था भाई, अगर पार्ट टू हो तो फिजिक्स टू आ जाएगा, अगर पार्ट वन है तो फिजिक्स वन आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से फिजिक्स वन आ गया। अब डेट क्या है, डेट बेसिकली आप जिस दिन आपका पेपर होगा आप उसकी डालोगे, ऑब्वियसली ये हो गया। अब क्या करना है भाई, ये तो सारी चीज यहाँ पे फिल करी थी, अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या चीज है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट बी कॉपीज अटैच इफ इंक्लोज, मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई बी कॉपी ली है हाँ, तो वहां पे यहाँ पे आप लिखोगे कितनी ली है। बी कॉपी का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो एक कॉपी मिल रही है तो आपकी कॉपी मिलेगी, आपने इसको पूरा फिल कर लिया, जो आपके पास नई कॉपी मिल रही है वो बी कॉपी आपकी। और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉपी ली है तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा, ठीक है। आप दो लोगे तीन लोगे उतनी आप लिखोगे यहाँ पे। उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज ज्यादा से ज्यादा आपके जो होता है मैथ्स के अंदर होता है या फिजिक्स के अंदर होता है, ठीक है, ग्राफ पेपर्स का यूज। तो यहाँ पे आप जितने भी ग्राफ पेपर्स लोगे यहाँ पे ऐड करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं वन ग्राफ पेपर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा, ठीक है। बाकी उसके बाद ये सारी चीज जो है ये जो आपका इन्विजिलेटर या फिर बोर्ड की तरफ से जो होंगे वो ये करेंगे, साइन ऑफ एग्जामिनेशन ऑल दैट स्टफ, ये आपका कोई भी काम नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब देखो आपको उसके बाद जो दिया जाएगा वो आपको दी जाएगी अटेंडेंस शीट, एक अटेंडेंस शीट्स आपको दिया जाएंगी, सही है। ये सब कुछ अटेंडेंस शीट्स में फिल होगा, इसको जैसे कि भाई जो भी आपका ये सारी चीज आपकी जो होगी या फिल होगी तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, सही है। जैसे कि भाई अभी एक मिनट, जैसे कि जो भी स्कूल होगा वो यहाँ पर इस तरीके से भाई, जो भी स्कूल होगा वो इस तरीके से इधर नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे जो भी आपका एनुअल एग्जामिनेशन है जैसे कि 2022 है तो भाई वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरीके से सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ होगा कि भाई आपका फिजिक्स है, ठीक है, ठीक है, फिजिक्स लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद पेपर कौन सा है आपका, पेपर आपका वन है, ठीक है, या जो भी आपका पेपर होगा, डेट होगी यहाँ पर आपकी। फिर यहाँ पे आपके भाई टाइमिंग गिवन होगी, मॉर्निंग होगी आफ्टरनून होगी, मॉर्निंग है तो भाई यहाँ पे इस तरीके से मॉर्निंग लिखी हुई होगी, ठीक है। और फिर रूम नंबर जो आपका होगा पेपर में वो लिखा हुआ होगा, रोल नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक बैठे हुए, ये आपका सब कुछ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। असल चीज़ आपने क्या फिल करनी है वो आपने फिल करना है ये चीज़, जो कि मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ। ये चीज़ आपने बेसिकली क्या है फिल करनी है, अब ये कैसे फिल करनी है आपने ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपने बेसिकली इस तरीके से फिल करनी है कि सबसे पहले रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है आप वो लिख दोगे, जैसे कि भाई मैंने यहीं पर ही रोल नंबर लिखा था, आप अपनी फर्स्ट जो पेज होगा उस पर आपने रोल नंबर लिखा 356427, आप वही जाकर यहाँ पर लिख दोगे, सही है, 356427, सही है। और आपने ये चीज जाकर लिख दी, इसको आप फिर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी है आपके पास सबके रोल नंबर आ जाएंगे जो भी आपकी क्लास में बैठा हुआ है, सही है, जो भी आपके क्लास में बैठा हुआ है आपके पास रोल नंबर आ जाएगा। अब ये क्या चीज है भाई, स्क्रिप्ट नंबर प्रिंटेड ऑन ए स्क्रिप्ट, अच्छा ये चीज ये है कि भाई जब आपके पास पेपर आएगा यहाँ पे एक सीरियल नंबर गिवन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो गिवन नहीं, जैसे कि भाई इस तरीके से आपका एक सीरियल नंबर दिया हुआ होगा 1 2 3 4 5, ऐसे आपका एक सीरियल नंबर दिया हुआ होगा। ये सीरियल नंबर उठाकर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जाकर लिख देना है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपने कर दिया। और यहाँ पे अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि बाय फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मतलब के पाऊँ तो सिग्नेचर आ गया, ठीक है। अब ये जैसे सिग्नेचर मेरे पास आ गया, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है कि भाई स्क्रिप्ट नंबर लिखना है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ पीछे ले जाकर, ये चीज मैंने छोड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। अब आपने जितनी बी कॉपी लिखी है
सही है, उसका सीरियल नंबर जो होगा, उसका सीरियल नंबर कौन सा, ये वाला नंबर 1 2 3 4 5। अब उसका भी कोई सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दो भाई, जैसे कि भाई सीरियल नंबर 4 3 2 6 2। ये आपका, आपने एक बी कॉपी ली है ये आ गया, आपने दूसरी बी कॉपी ली है आप वो लिख दोगे। सही है, जितनी भी कॉपीज आप लोगे बी कॉपीज, सही है, वो आप यहाँ पे लिखते जाओगे। मैंने एक कॉपी ली है 4 3 5 6 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर यहाँ पे, अब एक और चीज़ है, अगर ग्राफ पेपर आपने लिए हुए हैं, आप कितने ग्राफ पेपर्स आपने लिए हुए हैं, सही है, वो तो यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई मैंने एक ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का भी आपके पास सीरियल नंबर दिया हुआ होगा जब आप ग्राफ पेपर ले रहे होगे मैथ्स में या फिजिक्स में, वहाँ पे सीरियल नंबर इस तरीके लिखा होगा ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है, वो ग्राफ पेपर का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे लिख देना, जैसे कि भाई 3 4 इस तरीके से, ठीक है, तब समझ में आ गया। अब वो, अब ये जो बेसिकली है मेरे पास बी कॉपीज, अब ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मुझे अपना सीरियल नंबर लिखना है, सही है। अब सीरियल नंबर मैं कैसे लिखूंगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था पीछे, जो आपने बेसिकली यहाँ पे अटैम्प्ट किया है 3 4 5 6 2 जो आपने लिखा है यहाँ पे पी कॉपीज के लिए, सिंपली जाओगे यहाँ पे और 3 4 5 6 2 ये लिख दोगे, ठीक है। कितनी भी कॉपीज नहीं है, अब वहाँ पे 6 से 7 ही, जितनी भी कॉपीज होगी हर का सीरियल नंबर होगा, और यहाँ पे उतनी भी कॉपीज का नंबर लिख देना, मैंने एक ही लिया तो मैं एक ही लिखूंगा। और उसके बाद फिर जो है आपके पास यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पर आपके पास बेसिकली साइन होगा, तो ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे साइन कर दोगे, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास इसी तरीके से ये साइन आ गया आपके पास दोनों जगहों पे, और इस तरीके से ये आपके पास पहली कॉपी, इसका जो आपका सीरियल नंबर था, जो आपका मेन फ्रंट कॉपी है उसका लिख देंगे, बी कॉपीज अगर आपने ली है तो आप यहाँ पे लिख दोगे, वरना इसको डैश कर दोगे सिंपली, ठीक है। अब सारा ऐसी फिल होगा, और भी बच्चे होंगे अपना रोल नंबर लिखते रहेंगे, यहाँ पे उनकी जो सीरियल नंबर है, उनके इस पेज का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर से उठा के लिख देंगे। अगर कोई उन्होंने बी कॉपी लिया तो यहाँ पे पहले एंट्री करेंगे, 2 लिया 3 लिया उसके सारे सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ग्राफ पेपर लिया तो उसकी भी एक, अगर ग्राफ पेपर आपने लिया है तो उसका भी आपके पास सीरियल नंबर होगा, सही है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे। और देन उसके बाद जो है आप कितना आपने बी कॉपी लिया, 2 3 4 वो करोगे और यहाँ पर सिग्नेचर कर दोगे अपना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर और ये जो बेसिकली मैं फर्स्ट पेज आपको फिल आउट करवा रहा था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, मैट्रिक बोर्ड का, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अपना फिल आउट करिएगा, सही है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी आप मेरे कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।